हेलो स्टूडेंट्स वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा आज फिर आपके सामने बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस या ई बिजनेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंडर हम पहले दो पार्ट ऑलरेडी इस चैनल पर हैं अब आज थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का संगठन क्या है कैसे संगठित रूप से कंप्यूटर के जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैं, उनका कंबाइंड रूप कैसे काम करता है सीपीयू एल यू कंट्रोल एंड मेनी मोर लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग अंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर विद मी इन टूडेज वीडियो बट वन वेरी इंपॉर्टेंट अलर्ट फॉर ऑल ऑफ यू बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखना जब भी वीडियो के रिगार्डिंग किसी कॉन्टेंट को जानना तो कंप्लीट वीडियो देखें कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए साथ में सीधा वीडियो ऑन फुल स्क्रीन स्क्रीन पूरी खोलें मोबाइल की लैपटॉप की या कंप्यूटर की तभी सभी कंटेंट दिखेंगे भी और समझ भी आएंगे तो बात करते हैं आज के टॉपिक आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का संगठन क्या है डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर मीन द वे इन विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर इंटरकोनेक्टेड एंड द मैथड इन विच प्रोसेसर परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब यही है कि जिस तरह से कंप्यूटर के अलग अलग हिस्से आपस में जिनको जोड़ा जाता है और फिर वो दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करते हैं उस सारे कंबाइंड रूप को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का संगठित रूप या संगठन कहते हैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं काम करते हैं एक दूसरे के बिना सारे अधूरे हैं लेकिन जब मिलते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं तो जो ऑर्गेनाइज्ड रूप बन जाता है वही हम बात करेंगे जिस ऑर्गेनाइज्ड रूप की आज जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से उस संगठन के कौन कौन से हिस्से हैं तो क्लियर हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है जिस ढंग से डिफरेंट पार्ट एक दूसरे से जुड़कर प्रोसेसिंग का, का काम करते हैं दी गई दिशा निर्देशों के अनुसार इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक सारे इंटरकनेक्टेड जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर के जब संगठन की बात होती है बहुत से फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं जो काम करते हैं कंप्यूटर में सारा प्रोसेसिंग का वो कौन कौन से हैं? इनमें सीपीयू एलयू कंट्रोल यूनिट मेमोरी, इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट दीज आर सिक्स ऐसा ही लग रहा है ना यस और इनके बारे में बात करते हैं कौन कौन सा हिस्सा कहाँ कहां कैसे जुड़ा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीपीयू Central processing unit that is a full form abbreviated root hai cpu central processing unit a central processing unit which is also called central processor main processor or processor is the electronic single independent machine within a computer that executes instructions and that makes a computer programme. इट इज़ नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यस स्टूडेंट्स बात क्या है इसको समझो थोड़ा साधारण शब्दों में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसर या मेन प्रोसेसर कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से सिंगल इंडिपेंडेंट मशीन है जैसे यहां पर दिखाई गई है दैट इज सी ये उसका आउटर लुक है आप देख रहे होंगे हर पीसी के साथ जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके साथ है ऐसा होता है करता क्या है ये सा इंस्ट्रक्शन जो इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है उन सारी इंस्ट्रक्शन को पूरा करवाता है निष्पादित करता है और उसके साथ कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर के इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है जैसे इंसान के दिमाग में सारे अंगों से काम करने का काम ब्रेन करता है दिमाग इसी तरह से जो कंप्यूटर के सारे प्रोसेसिस है उनको पूरा करने का काम सीपीयू करता है

ये सारे इन दिस सीपीयू जो दिख रहा है यहां इसके अंदर होते हैं सारे मिलकर काम करते हैं वो तो एक कंबाइंड रूप है इन तीनों को मिला के सीपीयू बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अब हम तीनों को भी जब हम ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तीनों के बारे में बात करते हैं ये तीनों हैं क्या जैसे मैं बता रहा था सबसे पहले जो कंट्रोल यूनिट की बात हो रही है मैंने बताया कि जो आउटर लुक होता है सीपीयू का ये होता है क्लियर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीन चीजें होती हैं जिनसे मिलकर सीपीयू बनती है कंट्रोल यूनिट अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट यूनिट एंड मेमोरी ये तीनों होती का है ये जो हमें बाहर से दिख रहा है इसके अंदर ये सारा का सारा सीपीयू के अंदर जो है ये सारा का सारा इन तीनों चीजों का कंबाइंड रूप है दैट इज कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट ये नीचे देख रहे हो गए एग्जॉस्ट फैन

ग्रीन शेड में जनरली एक प्लेट देखने को मिलता है जिसे सिलिकॉन सिलिकॉन चिप चिप कहते हैं चिप पे सारे के सारे जो सीपीयू के पार्ट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे चाहे वो उसका सेंट्रल प्रोसेसर है मदरबोर्ड है इसके अलावा उस पर बहुत से आईसीज लगे होते हैं जो उसकी रैम है मेमरी के रिगार्डिंग रोम है उसके रिगार्डिंग जितने भी यूनिट्स हैं वो सबके सब इसके साथ ही डिस्प्लेड होते हैं क्लियर ये आपको दिख रहा है उसका ये इनर लुक है सीपीयू का जो अलग अलग पार्ट है क्योंकि वो तीन से मिलकर बनता है वो सारे के सारे इसके साथ अटैच होते हैं क्लियर हाँ जी स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं एलयू की, जो सीपीयू मेजर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इट प्रोसेस रिलेटेड टू अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन That need to be done on instruction words. ALU also known as the integer unit, IU, the arithmetic logical unit is that part of CPU that handles all calculation of the CPU that may we need. Most of these operations are logical in nature. साधारण अर्थ में बात करते हैं, कुछ बड़ा हो गया अगर हम इसको कंबाइन रूप में पढ़ते हैं। एल यू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट सीपीयू का एक मेजर पार्ट है मेजर कंपोनेंट है मैंने बताया ना कि सीपीयू में तीन पार्ट आते हैं जिसमें से एक क्या है ALU यू सबसे मेन जो है वो ALU यू करता क्या है ये जब प्रोसेसिंग का काम होता है उसमें जो अर्थमेटिकल मेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड काउंटिंग से रिलेटेड वो सारे के सारे काम सीपीयू के अंदर एएल यू करता है जो भी सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को किसी भी टाइप का ऑपरेशनल लॉजिकली चाहिए जहां कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए वो सारा का सारा का प्रोसेस यू में होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्लियर तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जब हम ए की बात करते हैं क्योंकि हमें पता है ये सीपीयू का पार्ट है उसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कि जो ऑपरेशंस होते हैं मान लो कुछ ऐड करना है कुछ सब्जेक्ट करना है या कुछ और लॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो इस ढंग से अंदर इंटरकनेक्टेड होकर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग चलती रहती है जैसा कि इसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं ये बात ध्यान रखना अपने आप नहीं जैसा इसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है जैसा इसमें सॉफ्टवेयर अपडेटेड होते हैं नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कंट्रोल यूनिट जिसको फुल फॉर्म अगर द कंट्रोल यूनिट कहते हैं हम तो उसके एब्रीवेटेड रूप हो गया सी यू इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का एक पार्ट है बता चुका हूं मैं दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर जो प्रोसेसर है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड प्रोसेसर जो काम कर रहे हैं उसको सही डायरेक्शन देना उसको कंट्रोल करना यह काम होता है कंट्रोल यूनिट का

कैसे रिस्पॉन्ड करना है कैसे उसमें इनपुट करना है कोई डाटा फिर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट कैसे निकालना है इस पे पे सारे प्रोसेस जो कंट्रोल करने का काम होता है वो कंट्रोल यूनिट का है, पूरा नियंत्रण होता है इसलिए इसका नाम नियंत्रण इकाई भी कहते हैं कंट्रोल यूनिट को आप देख रहे हो इस कंट्रोल यूनिट के अंदर एएल हो या मेन मेमोरी हो इनपुट या आउट के रूप में जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है जस्ट फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट स्टेप्स दिए होते हैं मेन मेमोरी से डाटा कहाँ शिफ्ट हुआ जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई इनपुट के रूप में एएलू में लॉजिकल यूनिट ने उसकी कैलकुलेशंस की और फिर उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट कर दिया और दोबारा वही डाटा कहाँ पहुंच जाता है मेन मेमोरी में मेन मेमोरी से एज ए आउटपुट यूजर के पास पहुंच जाता है इस सारे प्रोसेस पे इंस्ट्रक्शन लेने से लेकर इनपुट डाटा को रिसीव करने से लेकर आउटपुट तक पहुंचाने में जो मेन काम करता है दैट इज कंट्रोल यूनिट इट इज एक्चुअली एग्जीक्यूट होल कमांड्स सबके ऊपर इसका पूरा नियंत्रण होता है उसको पूरी रूप से संचालित करता है क्लियर कंट्रोल यूनिट को आप थोड़ा और पास से देखें ये एक साइकिल के रूप में काम करता है जैसे मैंने बताया अब ये थोड़ा क्लोज है डायग्राम जो जो मैंने बताया था कि दैट इज अ मेन मेमोरी मेन मेमोरी से डाटा फेच किया कंट्रोल यूनिट ने और एएलू में पहुंचा एएल ने उसकी कैलकुलेशन की और जितना भी रिजल्ट निकला वो आउटपुट के रूप में एक जो मैकेनिकल साइकिल होता है उस रूप में लगातार प्रोसेसिंग होती रहती है इसकी क्लियर नेक्स्ट वन मेमरी मेमरी क्या है मेमरी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ये क्या है शिला जैसे घर का जो मेन पत्थर रखना हो ना फर्स्ट डे कंप्यूटर का सबसे जो कॉर्नर स्टोन जो है आधारशिला उसकी मेमोरी है क्योंकि मेमोरी में होता क्या है डेटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट विच इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लोकेशंस इतनी लोकेशन से आया हुआ डाटा सबका सब मेमोरी सब में स्टोर होना होता है तो हमें अपना जो जो भी लैंग्वेज है लैंग्वेज वी आर यूजिंग हिंदी पंजाबी इंग्लिश और एनी वन टाइप राइटर पर हम यूज करते हैं हमें वो ह्यूमन लैंग्वेज के रूप में दिख रही होती है बट जब वो मेमोरी में स्टोर होती है वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं होती वो मैकेनिकल मशीनरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं वो बाइनरी नंबर बेस्ड होती है बाइनरी नंबर दो ही है जीरो जीरो पर कोड में कन्वर्ट होके जो डाटा है वो स्टोर होता है जो मेमोरी है कंप्यूटर में बेसिकली दो तरह की है मेन मेमोरी दैट इज प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी और एक्सलरी मेमोरी मेमोरी के रिगार्डिंग और कंप्यूटर के बाकी जो पार्ट्स हैं इसके बारे में डिटेल में बहुत सी वीडियोस हमारे इस सब्जेक्ट का पार्ट है वो हम और वीडियो में भी डिस्कस करते हैं और करते आ रहे हैं क्लियर हो गया मेमोरी का मेमोरी का जो रूप है देखने में ऐसा होता है ये देख रहे हो रैम और रोम के जो रूप है वो इस तरह से है इसमें मेमोरी होती है आजकल मेमोरी की सीमा ही कोई नहीं रही लगातार मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ रही है जितनी रैम और रोम ज्यादा होगी कंप्यूटर में उतनी डाटा ज्यादा स्टोर होगा प्रोसेसिंग ज्यादा तेज होती है ये आप जानते हो इसके बारे में हम रैम और रोम के बारे में डिटेल से बात करेंगे वेरी नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिगार्डिंग हार्डवेयर मेमोरी के बारे में ये देखो मेमोरी से रिगार्डिंग डिफरेंट डिवाइसिस यहाँ पे दिखाए हुए हैं जहाँ पर डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क हो सकती है ये वाली रैम एंड रोम सी डी है डीवीडी है पेन ड्राइव है लॉट ऑफ अदर डिवाइसेज एक एक डिवाइस के बारे में आने वाले जो डिफरेंट वीडियोस हैं उनमें इस बात का डिटेल फॉर्मेशन देखते हैं लेकिन यहाँ हम क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं हमने सिर्फ इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का जो पार्ट है जिससे ऑर्गेनाइज रूप में कंप्यूटर काम कर तो नेक्स्ट है इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट इट्स वेरी इजी आई थिंक आप इस लेवल पर आकर जानते होंगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट डेटा फीड्स एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन इनटू द कंप्यूटर कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड होता है जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो इनपुट यूनिट के डिफरेंट डिवाइसिस के थ्रू दी जाती हैं

लेकिन जिन जिस इनपुट के यूनिट के साथ डिवाइसेस के साथ हम डाटा फीड करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में सेव करते हुए उसको कोड्स में बाइनरी कोड्स में जीरो वन में कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी नंबर्स। ओके सॉफ्टवेयर होते हैं बाइनरी नंबर बेस्ड ये डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेज दिए हुए हैं पिक्चर्स लोड करनी है जॉयस्टिक है स्कैनर है वीडियो कैमरा लगा हुआ है कीबोर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस माइक्रोफोन है माउस है ट्रैक बॉल है ये सबके सब इनपुट डिवाइस है इनके साथ हम डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करते हैं नेक्स्ट वन इज आउटपुट यूनिट अब समझ आ गया होगा पहले इनका पिक्चर देख लो ये आउटपुट डिवाइसेस हैं ये जो मॉनिटर लगे हुए हैं एलसीडी स्क्रीन है इसके अलावा यहाँ देखो ध्यान से प्रिंटर प्लॉटर स्पीकर प्रोजेक्टर ये सारे आउटपुट है डिवाइस काम क्या है क्या होते हैं एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इन टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यस आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई एक डिवाइस है कोई इक्विपमेंट है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के बाद एक साधारण व्यक्ति के लिए पढ़ने योग्य बना देता है सीपी यू प्रोसेस द डाटा टू द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट यूनिट हमें पता है सीपीयू डाटा की प्रोसेसिंग करता है जैसे इनपुट यूनिट ने डाटा फीड किया और इंस्ट्रक्शन दी आफ्टर दैट हेल्प ऑफ एल यू कंट्रोल यूनिट तो जो सीपीयू है उसमें डाटा की प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट यूनिट है उसका रिजल्ट यूजर के लिए प्रोवाइड करता After that process, processing, output unit provides results to the user. As a result, is also in the form of binary units, क्योंकि वो binary units में होता है. लेकिन जो visual display units होते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे printer है, projector है, जब उनपर data आता है, वो converted into human acceptable form. वो उस रूप में आता है जिसको इंसान समझ सकता है जैसे हमारी लैंग्वेज है हिंदी पंजाबी इंग्लिश वॉट एवर मे बी तो आउटपुट यूनिट का काम यही होता है टू डिस्प्ले द डाटा टू डिस्प्ले द एनी इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर एनी यूजर आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा डाटा की पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो डाटा आउटपुट रूप में पेश किया जाता है वो कौन पेश करता है आउटपुट यूनिट क्लियर स्टूडेंट एक बहुत महत्वपूर्ण तो बात इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को यहां कंक्लूड करूं मेरे इस चैनल पर एफ वन एंड एफ टू के नाम से आई जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके बेसिक कॉन्टेंट बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया रूप में पेश किए गए जो थर्ड है एफ थ्री उसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट एफ फोर में सेकेंड पार्ट और आज ये फिफ्थ पार्ट है जिसको हमने आज देखा एक बात और सारी वीडियोस अगर पंजाबी और इंग्लिश के इंग्लिश रूप में है तो साथ में मैंने जहां e लिखा हुआ है वो इंग्लिश में है मीन्स वहां पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी का कंबाइंड रूप आपको देखने में मिलेगा ये मेरी सारे चैनल इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं सबके रिगार्डिंग ये बात कंफर्म है ये ध्यान रखना

जो इसका नेक्स्ट कंटेंट है हार्डवेयर कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस का वो है उसमें तो बहुत सी वीडियो ऑलरेडी हैं बहुत सी आने वाली हैं उनको देखते रहिए तब तक थैंक यू वेरी मच